व्हाट इज दिस नॉनसेंस माँ जी, आपको इतनी भी सेंस नहीं है क्या? किसी के हाथ से मोबाइल इस तरीके से छीना जाता है? ए लोमड़ी, क्या कचर पचर कर रही है? नॉनसेंस वॉनसेंस, अनपढ़ गवार कहीं की बुढ़िया। नॉनसेंस वॉनसेंस नहीं होता, नॉनसेंस होता है। ये ना इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का वर्ड है जो तेरे दिमाग में तो समझ जाएगा नहीं, अनपढ़। हाँ हाँ ठीक है, अंग्रेज की औलाद, तभी तो इस समाज का नाश हो रहा है। जो ऐसी सोच रखते हैं, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते हैं, समझी? बात मत पलटो, पहले ये बताओ कि मेरे हाथ से फोन क्यों छीना आपने? हाँ फोन क्यों छीना, जैसे महारानी है नौकर रखे हुए है घर पे काम के लिए, काम क्या तेरी माँ करेगी? अपने हिस्से का सारा काम कर दिया, बाकी जो काम आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है ना सासू माँ, वो आपके हिस्से का, आप जाके करो। अच्छा मैं काम करूं, मेरी जूती भी काम ना करे, समझी? शट अप माँ जी, लोमड़ी खींच के दूंगी मुंह पे, 32 के 32 बाहर आ जाएंगे, समझी? बड़ी आई है माँ जी, चुप रहो, अपनी उम्र का ना लिहाज कर लो, आप तो कर नहीं सकते, मैं ही कर रही हूँ। चुपचाप मेरा फोन वापस करो पहले। नहीं दूंगी, बोल क्या कर लेगी? माँ जी मेरा फोन वापस करो, मुझे ना बहुत जरूरी काम होता है, ठीक है ना? आपकी तरह नहीं हूँ मैं, खाली बैठी हूँ पूरा दिन। मुझे ये बता, मेरा बेटा क्या चला गया 10 दिन के लिए? लग गई दूसरों से फोन पे बातें करने, आने दे मेरे बेटे को, फिर तेरी शिकायत लगाती हूँ। ये बता सच सच, किससे बात कर रही थी? अरे सासू माँ, मैं किसी से फोन पे बात नहीं कर रही थी, अपनी फेसबुक पे किसी ने मुझे ना जोक्स टैग किए हुए थे, उन्हें पढ़ के हंस रही थी। और मेरे तो छोड़ो, आप अपने बताओ कि सारा दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के कहाँ आवारा गर्दी करती रहती हो? मुझे ये बताओ कि किससे मिलकर आई हो आप? अच्छा तब मुझ पे उंगली उठाने लग गई। सुन बंदरिया, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख भी नहीं हूँ। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे गुल खिलाऊंगी। और सुन क्या करने गई थी, खेत में चने बीज रखे हैं, जो तेरे जैसी लूमड़ी आती है ऐसे ऐसे नोच के ले जाती है उन्हें, समझी? अच्छा माँ जी, 24 घंटे बाइक उठा के आप चने के खेत में ही जाती हो क्या? और कोई काम नहीं आपको? चने के खेत में तो पैदल भी जाया जा सकता है, तो ये मोटरसाइकिल किस काम की? क्यों तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तेरे क्या बाप का पेट्रोल बलता है, मेरे पैसों से आता है, और मैं पैदल जाऊं या बाइक पे जाऊं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? माँ जी ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये मेरे बाप ने मेरे दहेज में दी थी, और काम आप चला रही हो उस पे। हाँ तो हमें दिया था, तुझे थोड़े दिया था, तुम्हें तो आता नहीं है चबाड़ 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 चबाड़, बस यही करना आता है या फिर दूसरों से फोन पे। देखो ऐसे करती रहती हो। देखो माँ जी एक बात ना कान खोल के सुन लो, मैं जो भी काम करती हूँ ना वो सब दिमाग वाला होता है, आपकी तरह बेवकूफी भरा नहीं, ठीक है? और मेरे काम में ना आप प्लीज हिंदी में कृपया करके अपनी टांग मत अड़ाइए। हाँ हाँ टांग मत अड़ाइए, कौन ऐसे फालतू के ऐसे ऐसे करने में, मुझे कोई शौक नहीं है टांग अड़ाने का, समझी? घर का काम पड़ा है और मैं थक गई हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, समझी? अच्छा थक गए हो और एक कप चाय चाहिए, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? मोटरसाइकिल पे तो बैठ के आई हो, कौन सा पैदल आई हो? हाँ मैं पैदल तो नहीं चल के आई, लेकिन जो चने के खेत में घास उग रहा था ना वो निकाल के आई हूँ, समझी? रहन दो माँ जी, आप और खेत में जाके काम करोगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ हाँ वो क्या कहते हैं पढ़ी लिखी बंदरिया, वो मैं ना कॉलेज में जाती थी सुबह सुबह ऐसे ऐसे करने। माँ जी क्यों झूठ बोल रहे हो, कॉलेज और आप, ABC तो आपको आती नहीं, आप तो मेरे को लगता है स्कूल तक भी नहीं पढ़े। ए बंदरिया मैं पढ़ाई करने नहीं जाती थी, वहाँ वो ना बच्चों के लिए बना हुआ था, जो वो क्या करते हैं वो करने जाती थी मैं सुबह सुबह प्लेग्राउंड। हाँ हाँ उसी
अरे रुको रुको रुको, मैं स्पेशल टिकट लेके आया हूँ, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा। अभी साथ नहीं हुए क्या आप? मुझे ये बता, तू किसे पूछ के अंदर आया है? पूछ के थोड़ी आते हैं, हॉल में जाते हो, मैच देखने जाते तो पूछ के थोड़ी जाते हैं। टिकट ले गए हैं, ये देखो स्पेशल टिकट है। अरे भाई साहब, क्यों रोज रोज आप हम दोनों से पिटने आ जाते हो यहाँ पे? भाभी जी, आप पीटते हो ना तो मुझे बहुत आनंद आता है, और जब ये बुढ़िया पीटती है ना, जब मूड सारा खराब हो जाता है। तेरा मूड अभी सही करती हूँ। कमेंट कहीं का? अरे सासू माँ, आप फिर शुरू हो गए? तो और क्या करूँ, ये कुत्ता रोज आ जाता है यहाँ अपनी दुम हिलाते हुए। इसे पीटू ना तो और क्या करूँ, उल्टा आके हमारे तमाशे देखता है। मैं मैच देख रहा हूँ, मैं फलाना देख रहा हूँ, मजे लेने आता है, समझी बुरख? ऐसे ही नहीं मजे लेता, मैं पूरे पैसे लगा के फिर आता हूँ। पहले ठेके पर जाता हूँ, वहाँ से पी पा के तैयार होके फिर यहाँ आता हूँ, ताकि आप मारो तो मुझे दर्द ना हो। बुढ़िया ये ले। ओफो सासू माँ, अगर आप रोज ऐसी हरकत करोगे तो वो तो पिटने आएगा ना। काम की शुरुआत तो आपने ही करी है ना, और आप ना इसको रहने दो, छोड़ो, मेरा फोन दो। नहीं दूंगी सासू माँ, बड़े प्यार से कह रही हूँ कि प्लीज मेरा फोन दे दो। मुझे तेरी अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती लोमड़ी, अगर ज्यादा जिद की ना तो इसे दे के अपने पैर के नीचे कुचल दूंगी, समझी? अरे रुक 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 रुक, कुचलना नहीं, फोन इनको नहीं देना, तुम मुझे दे दो, मैं आप दोनों की वीडियो बना के यूट्यूब पर चढ़ा दूंगा, ससुर की बड़ा मजा आएगा मुझे। बुढ़िया ये ले, मैं दिखाती हूँ तेरे को वीडियो बनवाती हूँ मैं, है तुम्हारे घर की इज्जत बाहर उछालेगा, बेशरम कहीं का। ए लोमड़ी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझी? तुम नाम की लोमड़ी हो, असलियत वाली लोमड़ी नहीं हो जो ऐसे झपटी मार लोगी। ये शेरनी का पंजा है, समझी? अरे माँ जी, अगर आप शेरनी है ना तो आपकी ये बहू सवा शेरनी है, सवा शेरनी, और ये देखे है ना, ये सवा शेरनी का पंजा है, समझ गए आप? मुझे दिख रहा है ये कितना का शेरनी का पंजा, समझी? तेरे से लोमड़ी भी ज्यादा चलाक होती है, जो झपटी तो ढंग से मार लेती है, समझी? माँ जी, आपकी तरह मुझे ये गोल गोल करके बातें घुमाने तो नहीं आती, लेकिन अच्छा? आपसे ज्यादा समझदार जरूर हूँ मैं। हाँ वो तो मुझे पता है तुम कितनी समझदार हो, समझी? ऐसे चबड़ चबड़ करने में तुम्हारी जबान चलती है, कोई काम काज की तो हो नहीं तुम, समझे? तो फिर आप ही कर लो ना, झगड़ा तो सारा काम का था ना। तो तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं ला रखा, काम करने के लिए लेके आया, समझी? अरे रुको रुको रुको, क्यों मेरा नशा ढेला कर रहे हो आप? कुछ और आने से ना, 2020 मैच तो स्टार्ट किए नहीं आपने। ओ बंदर चुप। ये लो, मुझे तो आज पता चला मैं बंदर हूँ। ओहो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, पूछ नहीं है पर मेरे। मैं बताती हूँ, तेरा तो पूछ अभी सीधा करती हूँ, चल रुको, खड़ा हो यहाँ से, निकल निकल, उठा ले। ठीक ना भाई, ये देखो फेंक दी ना, कितनी महंगी आती है पता है? तू जाता है कि तेरे खींच के दूध हो चार और। जाता हूँ, इसको लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जो ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो लाइन में लगाना ही पड़ेगा। देख लूंगा तुझे बुढ़िया। तेरे इस चक्कर में इस लूमड़ी ने फोन उठा लिया। जिसकी चीज है माँ, उसके पास तो वापिस आएगी। अच्छा, ज्यादा चलाक मत बनो, ये तो मैं फिर से दबोच लूंगी, समझी? अच्छा, इतनी हिम्मत आपकी? हाँ, ऐसे जैसे हाथ में फोन आने के बाद पर निकल गए तुझे, ये ना काट के छोटे छोटे टुकड़े बना दूंगी इन परों के, समझी? देखिए माँ जी, अरे मेरा फोन दो, लोमड़ी तो आप हो, मेरा फोन दो।
छीने मुझसे? नहीं दूंगी, बोल क्या कर लेगी। देखो माँ जी, मैं आपको ना बड़े प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप मेरा फोन दे दो। नहीं दूंगी। मेरा फोन दो। मैंने कहा मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। मैं आपके बेटे को ना एसटीडी बूथ से फोन करके ना आपकी सारी करतूतें बता दूंगी। हाँ, जो मैं बताऊंगी वो कि तुम क्या गुल खिला रही हो पीछे से, किस किस से बातें करती हो। मेरा बेटा मेरी साइड बोलेगा, तुम्हारी कभी नहीं बोलेगा, समझी लोमड़ी? लोमड़ी ऐसे ऐसे मत करो, वरना ये उंगली है ना काट के कुत्ते को डाल दूंगी, समझी? अरे सासू माँ, ये जो फिल्मी डायलॉग है ना, ये बोलना बंद करो और मेरा चुपचाप फोन दो। हाँ, वो फिल्म से याद आया, तुम्हें पता है मुझे ना गब्बर का रोल मिल रहा था, वो तो मैंने मना कर दिया करने के लिए, समझी? ओ सासू माँ, आप दिन अच्छी कॉमेडी करती है। ए लोमड़ी हंस मत, तुम्हें पता नहीं मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है करनी, समझी? बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, तो चलो दिखाओ करके, मैं भी तो देखूं जरा। मैं दिखाती हूँ तुझे बूढ़ी और जवान। बसंती, अब तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। नाच, देख क्या रही है, नाच नाच, मेरा मुंह क्या देख रही है? तो मैं बसंती थोड़ी ना हूँ, गब्बर तो आप बने हुए हो। हाँ तो मैं गब्बर हूँ, तू बसंती हो, तभी तो पता चलेगा ना कि मैं एक्टिंग कैसे करती हूँ। मैं कुत्तों के सामने बिल्कुल नहीं नाचूंगी, समझे? भाभी जी, एक बार नाच लेते तो अच्छा होता। मैं तेरे जैसे कुत्ते के आगे नाचूंगी? अच्छे खानदान की शरीफ बहू मैं, समझ गया तू? और ये क्या, ये क्या? अरे मेरे आगे थोड़ी ना नाचने को बोल रहा था। माँ जी, अपनी तो बाद में देखी जाएगी, पहले इसका मैच फिक्स करते हैं। लगता है इसे खुराक डालनी पड़ेगी, इसे यहाँ पे डालो। अरे माँ जी, अरे आपने तुम्हें से पैसे नहीं दूंगी बहुरानी। एक मिनट, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो, बात सुनो माँ जी, बात सुनो बसंती जी, गब्बर जी, एक मिनट रुको। मैं क्या कह रहा था अभी बताता हूँ। रुक, गधा कहीं का। अरे माँ जी, क्या? अरे बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? अरे जो बेवड़ा भागा है ना, इसको पकड़ के नचवाना था। क्या? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहू, उसे नचवाना तो था, लेकिन आज मैं गब्बर हूँ, आज किसी को तो नाचना पड़ेगा, तुम नाचो। माँ जी, मैं आपको नाचने वाली दिखती हूँ, अच्छे खानदान की शरीफ बहू हूँ, मैं नहीं नाचूंगी। हाँ अरे नाच। अरे नहीं नाचूंगी, आप नाचो, नाचना तो। मैं तो गब्बर हूँ, तुम नाचो। अरे माँ जी, चल 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 चल, मिल ना, गया ना इसको, नाच नाच या नाच नाच। ऐसे नहीं नाचा जाता, कोई गाना लगाए जाए। अरे चुपचाप माँ जी। बसंती को किसी ने गाना बताया नहीं था, समझा? उसने खुद ने गाया था, अब तुम भी गाओ और नाचो। माँ जी, गब्बर वाला डायलॉग दोबारा हो जाए मैं भी बोलूंगी। नाच बसंती। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नाच। नहीं नाच। अरे रुको रुको, यहाँ कुछ कास तो खिलाओ, बोतले तो फोड़ो, तभी नाचूंगा ना। अच्छा, नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, हमें सिखा रहे, चल नाच बहू। जब तक है जान, इसके पिछवाड़े पे खींच के बस करो, नाचता हूँ तो रुको। जब तक हाँ। है जान, दिल में है जान, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, नाच मैं नाचूंगा। तुम्हें पता नहीं
अगर गब्बर को गुस्सा आ गया ना तो साथ में आसमान तक जाता है मेरा गुस्सा, समझा? एक मिनट थोड़ा सा लगा लूं। बहुरानी अब ये नहीं नाचे तो इसके एक और खींच के लगाओ। सुनो मेरी बात सुनो बुढ़िया। ये ले, बुढ़िया बोलता है मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें पता नहीं अब मैं गब्बर हूँ, गब्बर। एक बात तो भाभी जी मारते हैं जब बड़ा आनंद आता है, पर गुड़िया धमकाती है ना आनंद एकदम गायब हो जाता है। अच्छा, दू तुझे आनंद बहु? ले ऐसे नहीं मानेगा। मारो अरे बस करो, रुको रुको, बस सुनो, नाचता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मोबाइल से गाना लगाता हूँ, मोबाइल दीजिए मुझे, इससे गाना लगा के फिर नाचेंगे। हाँ हाँ नाच, ऐसे कर कर, थोड़ा सा इधर हो ना, थोड़ा सा, हाँ ऐसे कर कर। जाने जहाँ दिल में है जान, मैं भाजूंगा। फिर भाग गया। हाँ कुछ तो सबक मिला उसे, ऐसे मारे बहुरानी खींच के उसके पिछवाड़े पे, मुझे तो मजा आ गया। हमारा तो ऐसा ही चलता रहेगा, सास बहू का प्यार।